पापा की कहानियाँ मस्ती में बोलो। आज पापा और उसकी फैमिली लंदन आए हैं देखने सुपर पोटैटो द म्यूजिकल। अरे बाप रे, हमें जल्दी चलना चाहिए वरना हम शो की शुरुआत मिस कर देंगे। ओहो, हम सब भीग जाएंगे। परेशान मत हो, हम चलने के बजाय अंडरग्राउंड ट्रेन ले सकते हैं। अंडरग्राउंड ट्रेन जमीन के नीचे चलती है, जमीन के नीचे बारिश नहीं होती। यहाँ पर रंगीन मैप दिया गया है जिसे पता चलता है कि सभी ट्रेन्स कहाँ जाती है। ये स्पगेटी जैसा लगता है। तो हम अभी यहाँ है और हमें जाना है यहाँ। हम पहले नीली ट्रेन ले सकते हैं और उसके बाद लाल ट्रेन लेते हैं। हाँ, बहुत खूब पेपा, चलो चले। सबसे पहले पेपा को टिकट बैरियर से अपना टिकट चेक करवाना होगा। शुक्रिया टिकट रोबोट, मैं फंस गई हूँ। वही रुको पेपा, मैं तुम्हें निकालती हूँ। शुक्रिया मिस रैबिट। इस तरफ पेपा, सभी नीली लाइन को फॉलो करो। मैं भी अटक गया हूँ। ट्रेन एक बहुत ही अंधेरी सुरंग से प्लेटफॉर्म पर आ रही है। ट्रेन में बहुत ज्यादा भीड़ है। सभी जल्दी में क्यों है? ये सब जल्दी में है, अंडरग्राउंड ट्रेन में सभी लोग जल्दी में ही रहते हैं। चलो चलते हैं, संभल कर कदम रखना। सभी को हेलो, लो ट्रेन में आपका स्वागत है, दरवाजे पे ध्यान दें। रुको पेपा, अंडरग्राउंड ट्रेन काफी हिलती डुलती है। आपके बाई ओर अंडरग्राउंड देखेंगे और आपके दाई ओर आप और भी ज्यादा अंडरग्राउंड देखेंगे। लाल ट्रेन के लिए आप यहाँ उतरें। लाल ट्रेन, आ गए हम। अपना कदम आगे रखो जॉर्ज। सभी कसकर पकड़ो। हम यहाँ हैं। शो तो कुछ ही मिनटों में शुरू हो जाएगा, शायद हम शुरुआत मिस कर देंगे। बिल्कुल नहीं, मेरे पीछे आओ, मैं आपको सुपर पोटैटो द म्यूजिकल के लिए टाइम पे पहुंचाऊंगा, वरना मेरा नाम नहीं सुपर पोटैटो। बड़ा सेलिब्रिटी आ रहा है, बड़े स्टार के लिए रास्ता बनाओ। थैंक यू, आज किसी को ऑटोग्राफ नहीं दे पाऊंगा। सुपर पोटैटो भी जल्दी में है, अंडरग्राउंड ट्रेन में सभी लोग जल्दी में है। पेपा और उसकी फैमिली कार में बाहर जा रही है पर उन्हें थोड़ी मुश्किल आ रही है। अरे बाप रे, कार स्टार्ट ही नहीं हो रही। आपकी गाड़ी बिगड़ गई है, परेशान ना हो, मैं आपको गैरेज ले जाऊंगा। मैं यूं गया और यूं आया। मिस्टर बुल कार को ठीक करवाने के लिए उसे खींच कर ले जा रहे हैं। जॉर्ज और पेपा को खींचा जाना पसंद है। अरे रे, समझ गया। सुनिए, हम इसे ठीक कर सकते हैं। अच्छा, पर हमें नया पुर्जा मंगवाना पड़ेगा और ये काम ना ही आसान है ना ही सस्ता। अरे रे, इसमें कितना समय लगेगा? जितना टाइम लगना है उतना तो लगेगा ही। लेकिन मैं काम पर कैसे जाऊं? जब तक आपकी गाड़ी ठीक हो रही है आप कोई भी गाड़ी इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए मेरे साथ, गैरेज में काफी एक्स्ट्रा कार्स हैं। अपनी मनपसंद चुन लीजिए। ओह, एक मोटर बाइक, ये तो बेहतरीन है। चलो इसकी टेस्ट ड्राइव लेते हैं। डैडी पिग को मोटर बाइक चलाना अच्छा लगता है। हेलो। लेकिन मोटर बाइक पर आप बारिश में भीग जाते हैं। शायद हमें कोई और जबरदस्त चीज चाहिए। चलिए इसे आजमाते हैं। पेपा को एक मॉन्स्टर ट्रक मिला है जो बहुत जबरदस्त है। ओ, 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 ओ,
लगता है कि ये मॉन्स्टर ट्रक हमारी जरूरत से कुछ ज्यादा ही जबरदस्त चीज है। माफ कीजिएगा, किसी अच्छी और बड़ी चीज के बारे में क्या ख्याल है? जैसे बस। मम्मी पिग को बस बहुत पसंद है। ये बस कितनी बड़ी है और कितनी शांति है यहाँ। अरे रे, लेकिन सभी को लगता है कि ये असली बस है। पेपा और उसकी फैमिली के पास अब एक ही कार बची है ट्राई करने के लिए। इससे बदबू आ रही है, क्योंकि ये मेरी रिसाइकल इकट्ठा करने वाली लॉरी है। माफ कीजिएगा, आप इसे नहीं ले जा सकते। मुझे नहीं लगता कि हमें हमारी कार की तरह कोई बेहतरीन कार मिल पाएगी। आप तो लकी हो, आपने नई कार चुनने में इतना समय लगाया कि हमने आपकी पुरानी कार को ही ठीक कर दिया। शुक्रिया मिस्टर बुल, शुक्रिया ग्रैंडडैड डॉग। पापा की फैमिली को अलग अलग कार चलाना अच्छा लगता है, लेकिन उन्हें अपनी फैमिली कार चलाना सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। समंदर के किनारे एडवेंचर के लिए कौन कौन तैयार है? पापा और उसकी फैमिली आज के दिन बाहर जा रहे हैं। अरे रे, मुझे लगता है कि मैं कार में पेट्रोल डालना भूल गई। कोई बात नहीं, चलो बीच पर ट्रेन से चलते हैं। पेपा और उसकी फैमिली समंदर के किनारे जाने के लिए ट्रेन ले रहे हैं। हाँ, टिकट दिखाइए। हम समंदर के किनारे जा रहे हैं और मम्मी कार में पेट्रोल डलवाना भूल गई। कितना रोमांचक है, मुझे समंदर का किनारा पसंद है। मुझे लगता है कि लंच का समय हो गया है। पापा, चलो खाने के डिब्बे की ओर चले। डैडी पिग और पापा ट्रेन में खाने वाले डिब्बे तक जा रहे हैं। ट्रेन काफी हिलडुल रही है। ये डिब्बा उन यात्रियों के लिए है जो सोना चाहते हैं। ये डिब्बा जरूर उन लोगों के लिए होगा जो ट्रेन में खेलना चाहते हैं। वाह, हाय डैनी, हाय जेरिल। ये शायद सिनेमा वाला डिब्बा होना चाहिए। माफ कीजिएगा। पेपा और डैडी पिग को खाने वाला डिब्बा मिल गया है। ये जरूर उन लोगों का डिब्बा है जो लंच करना चाहते हैं। क्या ये गड़गड़ाहट आपके पेट में हो रही है डैडी? मुझे अफसोस है कि ट्रेन खराब हो गई है। अरे रे, अब हमें बस लेनी होगी। अब पेपा की फैमिली समंदर के किनारे जाने के लिए बस पकड़ने का इंतजार कर रही है। सब चढ़ जाए। अगला स्टॉप समंदर का किनारा। बस खराब हो गई है। मुझे लगता है फिर से कोई पेट्रोल डलवाना भूल गया। अब हम समंदर के किनारे कैसे जाएंगे? क्यों ना हम पैदल चलें? समंदर का किनारा बस पहाड़ी के नीचे ही है। ये समंदर के किनारे की सबसे अच्छी ट्रिप थी। अब मैं ये जानना चाहती हूँ कि हम घर वापस कैसे जाएंगे। सुबह हो गई है और पेपा कुछ जायकेदार नाश्ता कर रही है। ये दलिया कैसा लग रहा है? अप्रैल फूल्स। अप्रैल फूल्स, वो क्या होता है? आज अप्रैल फूल्स डे है। इस दिन लोग अजीबोगरीब मजाक करके एक दूसरे को हंसाते हैं, जैसे मैंने तुम्हारे दलिये के साथ किया। हा? मुझे अजीबोगरीब मजाक पसंद है। क्या हम डैडी से मजाक कर सकते हैं? क्या बढ़िया आइडिया है। डैडी पिग सोफे पर बैठकर कुछ पढ़ रहे हैं, लेकिन मम्मी पिग और पेपा उनसे मजाक करने आ गए हैं। क्या आप मुझे मेरा चश्मा दे सकती हैं, मम्मी पिग? हाँ, क्यों नहीं।
पेपा और मम्मी पिग डैडी पिग से मजाक कर रहे हैं। शुक्रिया। अजीब बात है, इस चश्मे से देखना तो और भी मुश्किल है। अप्रैल फूल्स। ओह, ये चश्मा मजाक के लिए है। अच्छा मजाक था, लेकिन अब आप दोनों मेरे साथ मजाक नहीं कर पाओगे क्योंकि मैं बहुत चालाक हूँ। पेपा डैडी पिग के साथ एक और मजाक कर रही है। ओहो, मैं ये कुरकुरे के ट्यूब नहीं खोल पा रही, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं डैडी? क्यों नहीं पेपा। मैं तो इससे डर ही गया। तुमने तो मेरा फिर से मजाक बना दिया पेपा, बहुत बढ़िया। क्या तुम मम्मी पिग के साथ अप्रैल फूल्स डे का मजाक करने में मेरी मदद करोगी पेपा? पेपा और उसकी फैमिली ने डिनर कर लिया है और अब वो मिठाई खा रहे हैं। मैंने और पेपा ने मीठे में एक स्वादिष्ट चॉकलेट केक बनाया है ना पेपा? कितना प्यारा है, ये जायकेदार लग रहा है। मेरा फो काम नहीं कर रहा है। अपने हाथों से कोशिश करो। पेपा और डैडी पिग मम्मी पिग से मजाक कर रहे हैं। ये केक नहीं है, ये तो स्पंज है जिस पे आइसिंग लगी है। अप्रैल फूल्स। कितना बढ़िया मजाक किया है। इससे मुझे याद आया कि जॉर्ज तुम्हारे लिए कुछ बिस्किट्स लाए है पेपा। शुक्रिया जॉर्ज, मुझे बिस्किट पसंद है। अप्रैल फूल्स। पेपा को अप्रैल फूल्स डे बहुत पसंद आता है, सभी को अप्रैल फूल्स डे बहुत पसंद आता है। आज पेपा और उसकी फैमिली आर्केड जा रही है। बहुत खूब, तुम्हें मिला है हाई स्कोर। ऐसा इसलिए है क्योंकि पेपा और मैं इन सभी खेलों में माहिर हैं। इन सभी टोकन्स को देखो पेपा, यदि ऐसे बहुत सारे इकट्ठा कर लिए तो इनके बदले तुम्हें बड़ा सा इनाम मिल सकता है। बहुत खूब, एक इनाम। देखो इतने सारे टोकन्स। क्या हम उस खेल को और ज्यादा खेल सकते हैं? क्यों नहीं पेपा। मम्मी पिग पेपा को कैरेट बॉब खेलना सिखा रही है। जब भी वे पॉप अप करते हैं तो वो कैरेट को मारती है। जोर से मारो, जोर से मारो। क्या तुम दोनों करना चाहोगी? हाँ जरूर। जोर से मारो, जोर से मारो, जोर से मारो। और ज्यादा टोकन, क्या इसका मतलब है कि हम वाकई बड़ा इनाम पा सकते हैं डैडी? डैडी? डैडी पिग डांसिंग गेम खेल रहे हैं। डैडी पिग को डांस करना बहुत पसंद है। जानते हो, मैं तो डांस में बहुत माहिर हूँ। तुम्हारी बारी पेपा। वाह! ओह, मजेदार था। लेकिन क्या कोई ऐसा खेल है जिसे हम मिलकर खेल सकते हैं? हाँ, एक खेल है। पेपा और उसकी फैमिली गुब्बारे वाला खेल खेल रहे हैं। जो पहले अपने गुब्बारे में पानी भरेगा वो जीत जाएगा। स्कोर मिला? हाँ, तुम्हें इतना हाई स्कोर मिला है कि तुमने जीत लिया है जैकपॉट। अब अपने सारे टोकन्स को ट्रेड करके तुम्हें मिलेगा बड़ा सा इनाम। अरे वाह, चलो चलते हैं। हेलो अगेन पेपा। यह हमारे सभी टोकन हैं,
क्या हमें हमारा इनाम मिल सकता है? बिल्कुल, इन सारे टोकन से तुम पा सकती हो एक अनोखा, बिल्कुल खास, अलग तरह का इनाम। पेंसिल। अरे वाह, पेंसिल। पेपा को आर्केड में अपनी फैमिली के साथ ढेर सारे टोकन्स जीतना अच्छा लगता है और पेपा को अपनी नई पेंसिल वाकई बहुत अच्छी लगती है। पेपा और उसकी फैमिली सिनेमा घर में फिल्म देख रहे हैं। मम्मी, मुझे टॉयलेट जाना होगा। ठीक है पेपा, एक बाहर ही है, वहाँ चलते हैं। सुनो, पेपा और मैं टॉयलेट होकर आते हैं। टॉयलेट, बढ़िया आइडिया है। अरे रे, टॉयलेट तो सफाई के लिए बंद किया गया है। लेकिन मुझे जल्दी जाना है। सड़क के उस पार एक पब्लिक टॉयलेट है, सारे मेरे पीछे पीछे आओ। डाइनोसॉर। पेपा और उसकी फैमिली को टॉयलेट मिल गया है। ये रहा टॉयलेट पेपा, कतार में खड़ी हो जाओ। माफ कीजिए, कतार यहाँ से नहीं, शुरू होती है वहाँ से। लेकिन टॉयलेट के लिए कतार बहुत बहुत लंबी है। मुझे नहीं लगता मैं इतनी देर रुक पाऊंगी। सुपरमार्केट में एक टॉयलेट है, चलो वहाँ देखते हैं। पेपा, मम्मी पिग, डैडी पिग और जॉर्ज हर जगह टॉयलेट की तलाश करते हैं। वे सुपरमार्केट में ट्राई करते हैं। वे जू में भी ट्राई करते हैं। सॉरी पेपा, ये टॉयलेट खराब है। यहाँ तक कि वे टॉयलेट शॉप भी ट्राई करते हैं। सॉरी, लेकिन ये सभी टॉयलेट सिर्फ देखने के लिए ही है। यहाँ कहीं भी कोई टॉयलेट नहीं है। अरे रे, अब मुझे भी टॉयलेट जाना है। मुझे भी। देखो, सिनेमा घर का टॉयलेट फिर से खुल गया। वाह! आखिरकार पेपा और उसकी फैमिली फिल्म देखने वापस आ गए। डायनासोर। लेकिन अब फिल्म खत्म हो गई है। ऐसा लगता है कि हमें ये शुरू से देखनी होगी। अब भी बता दो, किसी को टॉयलेट जाना है? पेपा और उसके दोस्त सिनेमा देखने जाते हैं। उन्होंने अभी अभी वेजिटेबल्स इन स्पेस 2 नाम की फिल्म देखी है। परेशान मत हो पेड्रो, मैं तुम्हें बचाऊंगी। सभी ने फिल्म के इतने मजे लिए कि अब वो नाटक कर रहे हैं जैसे वो खुद इसमें हो। क्या तुम मेरे घर पर स्पेस में सब्जियां खेलना चाहोगे? हाँ, क्यों नहीं? सभी खेल के लिए तैयार होने को लेकर काफी जोश में हैं। पेड्रो पोनी अंतरिक्ष यात्री बना है। सूजी शीप रोबोट बनी है। जेरल्ड जिराफ एलियन बना है। और पेपा स्पेस हीरो बनी है। चलो बाहर चलते हैं और ऐसा सोचते हैं कि हम चांद पर हैं। अरे वाह! मेरे पीछे आओ। प्यू प्यू। पेपा और उसके दोस्त फिल्म की तरह ही चांद पर होने की कल्पना कर रहे हैं। सभी को चांद पर तैरने का नाटक करने में बहुत मजा आता है। बढ़िया आइडिया जेरल, हम ड्राइव करने के लिए रॉकेट कार्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। अरे रे, सभी के लिए रॉकेट कार्स तो नहीं है। क्या तुम मेरी कार में चलना चाहोगी सूजी? बस बस। ओ
सूजी अपने जूतों को रॉकेट बूट्स जैसा दिखाने का नाटक कर रही है। अब सभी चांद को मजेदार तरीके से जान सकते हैं। और मैं तुम सब के लिए लंच में चीज सैंडविचेस लाया हूँ। चांद पर खेलने की कल्पना करना सबको अच्छा लगता है, लेकिन हर किसी को लंच टाइम और भी ज्यादा अच्छा लगता है। वो कार वाकई कितनी तेजी से गई है। चिंता मत करो, इसी वजह से जरूरी है रुकना, इधर उधर देखना, सुनना और सड़क पार करने से पहले हमेशा ग्रीन मैन का इंतजार करना। द ग्रीन मैन। बच्चों आपको याद है ना कि हमने क्या सीखा था? रुको, इधर उधर देखो और सुनो। सब ठीक है, कोई कार नहीं है। चलो चलते हैं, अब पार करना सुरक्षित है। ओह, हेलो डैडी। हेलो पापा। पेपा का प्ले ग्रुप। हेलो डैडी पिग। ओह हरी बत्ती, चलो मैं आप लोगों से बाद में मिलता हूँ। हमारी मदद करने के लिए शुक्रिया पुलिस ऑफिसर पांडा। दिन भर का यही काम है। पेपा पुलिस ऑफिसर पांडा की मदद कर रही है ताकि सभी सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें। तुम्हें सड़क पर अपने ही साइड पर रहना होगा। सॉरी पापा, मेरा पहिया फंस गया है। हम तुम्हारी मदद करते हैं। वी यू, वी यू, वी यू। हम सड़क को कार और लोगों के लिए सुरक्षित बनाते हैं। पेड्रो ने ध्यान नहीं दिया कि ग्रीन मैन रेड हो गया है। ओह पेड्रो, रेड मैन का मतलब है रुको, चलो मत। शुक्रिया पापा। दिन भर का यही काम है। अरे वो देखो, फ्रेडी ने लुटेरे वाले कपड़े पहने हैं। हमें लुटेरे को पकड़ना होगा। लाल बत्ती का मतलब है रुको। ये रहा, यहाँ। हमने अब उसे पकड़ लिया है। फ्रेडी, क्या तुम लुटेरे हो जो तुमने लुटेरे वाले कपड़े पहने हैं? नहीं, मुझे धारीदार कपड़े पसंद है। तो तुम लुटेरे नहीं हो? नहीं। ठीक है, फिर तुम जा सकते हो, लेकिन तेज रफ्तार से नहीं। ठीक है, अलविदा पापा। बहुत बढ़िया ऑफिसर पापा, अब सबको याद हो गया है रुकना, देखना और सुनना और तभी जाना जब वो देखते हैं। ग्रीन मैन। इसका मतलब हम जा सकते हैं। दिन भर का यही काम है ऑफिसर पांडा। पेपा को सभी की सुरक्षा करना और सभी को सुरक्षित महसूस करना अच्छा लगता है। सभी को मेरा हेलो। मम्मी पिग पेपा को प्ले ग्रुप छोड़ने जा रही है, लेकिन मम्मी पिग बेबी अलेक्जेंडर की देखरेख भी कर रही है। ओह अरे अरे, बुरा ना माने तो मैं जाने से पहले एक बार अलेक्जेंडर की बदबूदार नापी साफ कर लूं। ओह क्या हम उसे साफ करने में मदद करें प्लीज? ठीक है, क्या तुम मुझे चेंजिंग बैग से नापी क्रीम दे सकते हो और एक साफ सुथरी नापी भी देना?
सभी को बेबी अलेक्जेंडर की नैपी बदलने में मम्मी पिग की मदद करना अच्छा लगता है। देखो एकदम तरोताजा। क्या हमारे साथ बेबी अलेक्जेंडर खेल सकता है? वैसे बिल्कुल क्यों नहीं। हाँ। पेपा बेबी अलेक्जेंडर को प्ले ग्रुप की अपनी सारी मनपसंद चीजें दिखा रही है। ये किताबें हैं। बेबी अलेक्जेंडर को सारी किताबें पसंद आती है। ये रही पूरी दुनिया और उसे ग्लोब को गोल गोल घुमाने में मजा आता है। और ये है मैडम गजेल। हेलो छोटी अलेक्जेंडर। लेकिन उसे मैडम गजेल सबसे ज्यादा अच्छी लगती है। अब शायद थोड़ी सी पेंटिंग करनी चाहिए। सभी अपनी खुद की तस्वीर बना रहे हैं जिसे सेल्फ पोर्ट्रेट कहा जाता है। मैं हूँ पेपा पिग। नमस्ते। हेलो पेपा, मैं फ्रेडी हूँ। मैं सूजी हूँ। और मैं जरूर हूँ। शाबाश बेबी अलेक्जेंडर, ये तो जायकेदार सेब जैसा लग रहा है। बेबी अलेक्जेंडर की पेंटिंग को देखकर पेपा को याद आता है कि लंच टाइम हो गया है। बेबी अलेक्जेंडर का भी लंच टाइम हो गया है। वो बच्चों का खास खाना खा रहा है। ये आई ट्रेन अलेक्जेंडर। चुक चुक। मम्मी क्या बेबी अलेक्जेंडर का खाना बढ़िया है? उसे अच्छा लगा। अरे अरे, निकलने से पहले क्या मैं अलेक्जेंडर को फिर से साफ कर लूं? बिल्कुल। ओह मैं बैग ले लूं। चलो चलते हैं। बेबी अलेक्जेंडर का प्ले ग्रुप में आना सभी को अच्छा लगता है। आज पेपा और उसका परिवार बतख के तालाब की ओर जा रहे हैं, लेकिन रास्ते में लोहे का एक बैरियर है। माफ करना दोस्तों, रास्ता बंद है। लेकिन हम लगभग तालाब तक पहुँच ही गए हैं। मुझे डर है यहाँ काफी फिसलन होगी। चमकीले लाल एरो वाले डाइवर्जन साइंस को देखकर चलते जाएं। आप जल्द ही पहुंच जाओगे। डाइवर्जन का मतलब है कि आपको दूसरे रास्ते पर से जाना है। चलो सब चले। जल्दी मिलेंगे बतख। ये रहा। पेपा को पहला चमकीला लाल एरो मिल गया है और एक और मिला। और एक और मिला। लेकिन आगे वाला निशान तो नीचे गिरा है। उठ जाओ श्रीमान निशान। किसी को नहीं पता कौन से रास्ते पर जाना है। हम दाएं जाएं या बाएं? लगता है दाएं तरफ जाना ही ठीक है। क्या हम खो गए हैं? हाँ, हम खो ही नहीं हैं। हम बस ये नहीं जानते कि हम कहाँ पर हैं। जब आप नहीं जानते कि आप कहाँ हैं, तो आप शायद खो चुके होते हैं। देखो बतख। हेलो बतख। माफ कीजिए श्रीमती बतख, क्या आप जानती हैं बतख का तालाब कहाँ है? क्या खूब किस्मत की बात है। रास्ता दिखाइए बतख। ये बतख वाली पगडंडी है डैडी। हम सबको बतखों की तरह चलना होगा। हम बतख के तालाब जा रहे हैं हिल डुल के, और हम बतख देखने जा रहे हैं क्वैक क्वैक क्वैक। आखिर पेपा और उसका परिवार बतखों के तालाब तक पहुंच ही गए। हमने कर दिखाया। ये। आप समय से आ ही गए। मुझे यकीन है कि डाइवर्शन से होकर आने में आप खुश होंगे। हाँ, ये बहुत मजेदार था।
और काफी कम फिसलन वाला। आज पेपा के प्ले ग्रुप में पैनकेक डे मनाया जा रहा है। ये एक आइसक्रीम है, क्या हम और तस्वीरों वाले पैनकेक बना सकते हैं? हाँ क्यों नहीं, हमें बस चाहिए थोड़ा और पैनकेक मिक्स। पेपा एक कटोरे में आटा डालती है, कैंडी कैट उसमें एक अंडा डालती है, डैनी डॉग दूध डालता है और सूजी शीप सभी चीजों को अच्छी तरह से मिलाती है। मैडम गजेल पैनकेक मिक्स में फूड कलरिंग डालती है ताकि वे रंग बिरंगी तस्वीरों वाली पैनकेक बना सके। पैनकेक को पकाने से पहले हम पैन में अपने पसंद की कोई भी पैनकेक तस्वीर बना सकते हैं। क्या तुम थोड़ा गुलाबी रंग डाल सकती हो सूजी? और थोड़ा यहाँ भी। वाव! ये क्या है? आप क्या बना रही है मैडम गजेल? जल्द पता चलेगा, अब पैन बहुत गर्म हो जाएगा इसलिए आपको थोड़ा सा पीछे हटना होगा बच्चों। वाओ, पेपा! पैनकेक बिल्कुल पेपा जैसा दिखता है। मैं हूँ पेपा पैनकेक और मैं बहुत स्वादिष्ट हूँ। क्या हम अगली चीज रेनबो बना सकते हैं? हाँ बेशक। पेपा और उसके दोस्त रेनबो के सारे रंग डालते हैं। लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला। नहीं, मैंने रेनबो पैनकेक को खराब कर दिया। बिल्कुल नहीं, तुमने नीले रंग से प्यारा सा आसमान बना दिया है। चलो बनाते हैं दुनिया का सबसे बड़ा पैनकेक। बेकिंग पाउडर देगा हमें एक फुला हुआ पैनकेक, बस थोड़ा सा चाहिए। मैडम गजेल ने कुछ ज्यादा ही बेकिंग पाउडर डाल दिया। पैनकेक बड़ा होते ही जा रहा है। मुझे नहीं लगता हम इसे खा सकते हैं बच्चों। पर ये तो शानदार ट्रैम्पोलिन बन गया है। पेपा को पैनकेक डे पसंद आता है, सभी को पैनकेक डे पसंद आता है। आज पेपा ग्रैंडपा पिग के बगीचे के फूलों के मजे ले रही है। सदा खुश रहो पेपा। ये पीली चीजें क्या है ग्रैंडपा पिग? इसे कहते हैं पराग। बम्बल बीज इसे बगीचे में ले जाती है और फूलों की बढ़त में मदद करती है। थैंक यू छोटी बम्बल बी की मदद करने के लिए। सावधानी से पेपा, बम्बल बीज को हाथ मत लगाना। पर क्यों ग्रैंडपा, ये कितनी रंगीन और प्यारी है। क्योंकि तुम काफी बड़ी हो और बम्बल बी काफी छोटी है, इसलिए शायद वो डर जाए। और जब बम्बल बी डर जाती है तो वो डंक मार सकती है। सचमुच? हाँ, इसलिए तुम्हें उनसे काफी नरमी से पेश आना चाहिए और उन्हें काफी जगह देनी चाहिए। कुछ लोगों को इनके डंक से एलर्जी भी हो सकती है। पेपा नहीं जानती कि अब उसे बम्बल बीज पसंद है या नहीं, पर बम्बल बीज दुनिया के लिए मददगार और दयालु भी होती है। इन्हीं की वजह से तो हमें शहद मिलता है। मुझे शहद पसंद है। बम्बल बीज छत्ते में शहद बनाती है, जैसे कि ये वाला। क्या मैं देख सकती हूँ? ओह रुको, छत्ते में काफी बम्बल बीज है, इसलिए पहले तुम्हें कपड़े बदलने होंगे। तड़ा!
मेरा मतलब है बस बस। पेपा, जॉर्ज और ग्रैंडपा पिग खास तौर पर मोटे कपड़े पहनते हैं ताकि उनके सिर, हाथ और शरीर डंक से बचे रहे। बेहतरीन। ग्रैंडपा पिग पेपा और जॉर्ज को अपने बम्बलबी के छत्ते का एक भाग दिखा रहे हैं। वो सारी बीज उस छोटी से घर में रहती है। हाँ, ये यहीं पर तो जायकेदार शहद बनाती है। बम्बल बीज खाना इकट्ठा करने और एक दूसरे का बचाव करने के लिए एक टीम की तरह काम करती है। जैसे मैं और जॉर्ज, हम भी है जैसे बम्बल बीज। बीज जो शहद बनाती है उसका क्या होता है? वैसे हम इसे इस तरह से जार में डालते हैं। ग्रैंडपा पिग एक कांच के जार में ताजा शहद इकट्ठा कर रहे हैं। फिर हम लंच के लिए जायकेदार हनी सैंडविच बनाते हैं। ये अब तक का सबसे बढ़िया सैंडविच है। थैंक यू छोटी बी। पेपा को हनी सैंडविच पसंद है और पेपा को बम्बल बीज उनके दयालु। आज पेपा और उसके दोस्त गो कार्ट ट्रैक पर है। सभी को मेरा नमस्ते। कौन कौन गो कार्ट दौड़ के लिए तैयार है? मैं। पेपा और उसके दोस्तों ने अपना रेस सूट पहन लिया है। मेरा पसंदीदा रंग लाल है। और अपनी सुरक्षा हेलमेट मत भूलना। आप अपना गो कार्ट चुन लो। ये। डैनी डॉग ने अपना हेलमेट उल्टा पहन लिया है। आप गो कार्ट चलाने के लिए पेडल्स का इस्तेमाल करेंगे और रोकने के लिए ब्रेक का इस्तेमाल करेंगे और स्टीयरिंग व्हील से गो कार्ट को घुमाने में मदद मिलती है। ये बाइक चलाने जैसा ही है। तुम सब इसे चला कर देखो। चलो धीरे धीरे पेडल मारना शुरू करो। मैं हमेशा बड़ी सी कार चलाती हूँ, मेरे लिए गो कार्ट आसान होगा। अरे रे, लगता है मैं कुछ ज्यादा ही तेज चला रही थी। अब मैं इसे कैसे मोड़ूं? गो कार्ट रेस शुरू हो गई है। ये तो मजेदार है। लेकिन सूजी शीप पेडल पीछे की ओर चला रही है। पेडल को आगे चलाने की कोशिश करो सूजी। आगे? डैनी डॉग बहुत तेजी से पेडल चला रहा है। ब्रेक का इस्तेमाल करना ना भूलना डैनी। मम्मी पिग को अपना गो कार्ट चलाने में दिक्कत हो रही है। चलो देखते हैं। इससे ये पीछे की तरफ जाता है। क्या आपको मदद चाहिए मम्मी पिग? नहीं शुक्रिया मिस रैबिट, मुझे यकीन है मैं कर सकती हूँ। मेरा गो कार्ट बहुत चल रहा है। पेपा पूरे रेस ट्रैक पर गाड़ी चला रही है। अपनी स्टीयरिंग व्हील को धीरे घुमाओ पेपा। ज्यादा बेहतर। पेपा और उसके दोस्तों को अपने गो कार्ट्स में रेस ट्रैक के चक्कर लगाना पसंद है। चलो चले। और आखिरकार मम्मी पिग ने अपना गो कार्ट चला लिया है। समय समाप्त। सभी ने बहुत बढ़िया किया। अरे वाह! लेकिन गो कार्ट रेस खत्म हो गई है। पेपा और उसके दोस्तों को गो कार्ट रेसिंग काफी पसंद आती है। आज पेपा और उसका परिवार सुपरमार्केट में खरीदारी कर रहे हैं। गुड बाय सुपरमार्केट। क्या वो रोबोट है? नहीं पेपा, ये एक वेंडिंग मशीन है। हमें खाने पीने की चीजें लेने के लिए इसके अंदर पैसे डालने पड़ते हैं। क्या हम रोबोट से कुछ खरीद सकते हैं प्लीज? ठीक है, हम सब चुन सकते हैं एक एक खास ट्रीट।
पेपा रोबोट वाली वेंडिंग मशीन से कुछ खरीदने के लिए काफी उत्साहित है। ये लो पेपा। गुड बाय सिक्के। अब उस चीज का बटन दबाओ जो तुम्हें पसंद हो। मैं पसंद करूंगी संतरे का जूस। ये रहा। अरे वाह, स्वादिष्ट। डायनासोर। जॉर्ज को डायनासोर की बनावट वाला बिस्किट मिला है। अब तुम्हारी बारी जॉर्ज। अब तुम वो बटन दबाओ जिस पर है डायनासोर। डायनासोर। मुझे लगता है मैं लूंगा वो वाली ड्रिंक। अरे ये तो फंस गया। डैडी पिक का ड्रिंक सैंडविच के पीछे फंस गया। सैंडविच बीच में आ गया। नटखट सैंडविच। हमें अब सैंडविच भी खरीदना होगा ताकि ड्रिंक भी इसके साथ नीचे गिर जाए। ये फिर से फंस गया। शरारती अनानास। चलो वो भी खरीद लेते हैं। देखो फिर से फंस गया। फिर से। आखिरकार ऊपर से गिरता हुआ ड्रिंक नीचे आ ही गया। अब मैं इसे आखिरकार पी सकता हूँ। ओहो, मेरा ड्रिंक तो एकदम फिजी हो गया। बेचारे डैडी। आप वेंडिंग मशीन से कुछ और क्यों नहीं चुनते? बढ़िया आइडिया है। ओह, वेंडिंग मशीन तो खाली हो गया है। इसलिए क्योंकि हमने सारी चीजें खरीद ली है। कर ही लिया था। पेपा पिन्याटा को खोलने की और अंदर से चीजें निकालने की भरपूर कोशिश कर रही है, क्योंकि आज पेपा का प्ले ग्रुप एक मेक्सिकन छुट्टी के बारे में सीख रहा है जिसका नाम है सिंको डे मायो। अरे बच्चों, क्लासरूम को थोड़ा और खुशनुमा बनाने के लिए हमें और ज्यादा सजावट करनी होगी। तो चलो पॉम पॉम फूल बनाते हैं। पॉम पॉम मैं? मुझे ये सब बहुत अच्छा लगा। पॉम 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 पॉम। बस कार्डबोर्ड की टहनी को टिश्यू पेपर के बॉल के बीच में लगा दो और हो गया। मैं ये फूल बना नहीं पा रही। मैं मदद करती हूँ। ये तो काफी मुश्किल है। ओह डियर। सभी ने बहुत सारे पॉम पॉम फूल बनाए हैं। हमने ज्यादा तो नहीं बना दिए। बिल्कुल नहीं। अब हमारा क्लासरूम है बहुत ज्यादा खुशनुमा। अगली चीज हम बनाने वाले हैं स्वादिष्ट गुआकामोल। गुआकामोल? गुआकामोल। ये मेक्सिकन ट्रीट बनती है एवोकाडो से और हम इसे गाजर या ककड़ी या टोर्टियाज नाम की खास क्रिस्प के साथ खाते हैं। गुआकामोल। मैडम गजेल एवोकाडो छील रही है और कटोरे में थोड़ा सा नींबू का रस और नमक मिला रही है। अब हमें इनको एक साथ मसलना होगा। गुआकामोल। क्या कोई थोड़ा सा गुआकामोल चखना चाहेगा? हाँ प्लीज। स्वादिष्ट। यम्मी गुआकामोल। यम्मी गुआकामोल। बढ़िया पेपा। सिंको डे मायो का जश्न मनाने का एक और तरीका है गाना गाना। यम्मी गुआकामोल। यम्मी गुआकामोल। यम्मी गुआकामोल।
और डांस करना एक खास हिस्सा है सिंको डी मायो का। पेपा ने पिन्याटा पर निशाना लगाया और खूब सारी मिठाइयाँ बरसने लगी। पेपा अपने पहले सिंको डी मायो के मजे ले रही है और उसे डांस करने में बहुत मजा। ग्रुप के लिए तैयार होने का समय हो गया है पेपा। हेलो सांता, आप फिर से आ गए। आज पेपा का क्रिसमस की छुट्टियों के बाद प्ले ग्रुप में पहला दिन है। नहीं मम्मी, ये तो मैं हूँ। लेकिन पेपा नहीं चाहती कि क्रिसमस अभी खत्म हो। ओ पेपा, ये कपड़े तो काफी अच्छे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये प्ले ग्रुप के लिए सही नहीं है। लेकिन मुझे सांता की तरह कपड़े पहनना पसंद है। मैं नहीं चाहती क्रिसमस खत्म हो, कितना मजेदार होता है। मुझे पता है, लेकिन प्ले ग्रुप भी खूब मजेदार हो सकता है। तुम जाओ और अपने बैकपैक में चीजें रखो। गुड मॉर्निंग पेपा, तुम्हारा ये बैग तो काफी भरा हुआ है और काफी भारी भी। अरे तुमने इसमें क्या रखा है? बस प्ले ग्रुप में चमक लाने के लिए कुछ चमकती हुई चीजें। अच्छा, सांता की तरफ से एक खिलौना। अरे वाह, कुछ कैंडी केन्स। स्वादिष्ट। ओ, और कुछ ब्रसल स्प्राउट्स। शायद तुम्हें प्ले ग्रुप के लिए थोड़ी और काम की चीजें लानी चाहिए। जैसे क्या? शायद रंग भरने के लिए कुछ क्रेयॉन, कुछ स्वादिष्ट फल और पढ़ने के लिए किताब। ओ, सांता मेरे लिए वो किताब लाए थे। वो बढ़िया आइडिया है। जाने का समय हो गया पेपा। ओ, क्या हम स्लेट से प्ले ग्रुप जा सकते हैं? मुझे तेज जाना अच्छा लगता है। मुझे ऐसा नहीं लगता पेपा, बर्फ तो बिल्कुल नहीं है। यहाँ तक कि स्नोमैन भी लगभग जा चुका है। मुझे लगता है कि आज हमें कार से जाना होगा पेपा। ठीक है। मैं जानता हूँ कि तुम क्रिसमस के खत्म होने से दुखी हो, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि प्ले ग्रुप भी उतना ही मजेदार हो सकता है। आज सुबह प्ले ग्रुप के सभी लोग पेपा को देखकर काफी खुश होते हैं। वेलकम बैक पेपा, क्या तुम्हारी क्रिसमस की छुट्टी मजेदार रही? हाय पेपा, क्या तुम मेरे साथ ड्रेस अप खेलना चाहोगी? अरे हाँ, मुझे ड्रेस अप करना पसंद है। या हम किताब पढ़ सकते हैं। सांता ने मुझे एक नई किताब दी है। चलो अपने स्कूटर पर एक दूसरे से रेस लगाते हैं। अरे हाँ जरूर। प्ले ग्रुप भी क्रिसमस की तरह ही मजेदार है। पेपा को क्रिसमस वाकई पसंद है, लेकिन पेपा वाह। आज पेपा और उसका प्ले ग्रुप बग म्यूजियम की सैर पर जा रहे हैं। सब मेरे पीछे आओ। स्क्वीक, बड़े बग्स। इस कमरे में सिर्फ चींटियां ही हैं। यहाँ तक कि यहाँ देखने के लिए रोबोटिक चींटियां भी है। चिंता मत करो, ये असली चींटी नहीं है, ये है बड़ा रोबोट। मुझे रोबोट पसंद है। चींटियां टीम की तरह काम करके अपनी रानी के लिए खाना लाती है। क्या तुम चींटियां बनना चाहोगे? क्या मैं रानी बन सकती हूँ? पेपा के दोस्त चींटियों के साथ दौड़ लगा रहे हैं। उन्हें फोम वाला पत्ता रानी पेपा तक लाना है। बढ़िया, बहुत बढ़िया बच्चों, तुमने टीम में बिल्कुल चींटियों जैसा काम किया। इस कमरे में सिर्फ मधुमक्खियाँ ही है और पहनने के लिए मधुमक्खी के कपड़े भी है। बिल्कुल मधुमक्खी लग रहे हो।
क्या तुम मधुमक्खी के छत्ते में अपना रास्ता ढूंढ सकते हो? बिस बिस। ठीक है, चलो। सभी को मधुमक्खी बनना पसंद आ रहा है, लेकिन मधुमक्खियों का छत्ता काफी उलझन भरा है। वो खो गए हैं। मधुमक्खी अपना रास्ता तलाशती हैं सूरज को देखकर। बस हम लोग भी सूरज का पीछा कर सकते हैं। सभी असली मधुमक्खियों की तरह अपना रास्ता तलाशने के लिए सूरज का पीछा करते हैं। सभी बढ़िया काम कर रहे हो। आखिरी कमरे के अंदर कुछ बहुत ही खास है। स्क्वीक, ये कितना सुंदर है। लेकिन कोई नहीं जानता कि ये क्या है। अंदर कुछ काफी रंग बिरंगा है। क्या ये तोता है? इसके बड़े पंख हैं। या एक ड्रैगन? और ये हुआ करता था एक कैटरपिलर। ये है तितली। पेपा और उसके दोस्तों को बड़े से बग म्यूजियम में बग्स के बारे में सीखना पसंद आता है। सब्जियां खाकर मिलने वाली ताकत से मैं यहाँ हूँ। एक मिनट। अब मैं यहाँ हूँ। ये रहा मैं, अब तक का सबसे सुपर सुपर हीरो। और मैं यहाँ आप सबको ये सिखाने आया हूँ कि सुपर हीरो कैसे बना जाता है। अरे वाह! पेपा और उसका प्ले ग्रुप सुपर हीरोज के रूप में तैयार हो गए हैं। सुपर हीरो स्कूल की सबसे पहली सीख है ये अपनी सुपर हीरो शक्तियों का इस्तेमाल करके दुनिया के लिए कुछ बेहतर काम करना है। सूजी शीप दया दिखाते हुए एक कीड़े को छेद करने में मदद कर रही है। फ्रेडी फॉक्स दयालु बनकर पौधे को पानी दे रहा है। और पेपा के दिल में पूरी दुनिया के लिए दया होने के कारण वो निश्चित कर रही है कि सारा कचरा रिसाइकल हो और जमीन पे ना पड़ा हो। आप सब ने अपनी पहली सीख अच्छे से ली। अब सुपर हीरो स्कूल की अगली सीख है मुश्किलों को सुलझाने का कोर्स पूरा करना और मैडम गजेल को सुपर विलन से बचाना। तो शुरू करने के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन सब इतने थक गए हैं कि दौड़ नहीं पा रहे हैं। हम सबके सांसें फूल रही है। हम तेज क्यों नहीं दौड़ सकते और हम में ताकत क्यों नहीं है? क्या हम सुपर हीरो नहीं है? मैं समझ गया। क्या आज किसी ने कोई फल या सब्जियां खाई है? मेरा आज गाजर खाने का मन नहीं था। और मैंने अपना सेब अपने लंच बॉक्स में छोड़ दिया। वही तो, फल और सब्जियां हमें सेहतमंद रखती है और हमें देती है सुपर एनर्जी। सुपर हीरो में दौड़ने और कूदने के लिए काफी एनर्जी होनी चाहिए। मैडम गजेल ने मेज पर खाने के लिए प्लेट में स्वादिष्ट फल और सब्जियां रखी है। पेपा और उसके दोस्तों ने सारे फल और सब्जियां खा ली है। अब उनके पास काफी सुपर एनर्जी है और वो फिर से कोशिश करने के लिए तैयार है। हम आपको बचाने के लिए आ चुके हैं। मेरे हीरोस, मेरे सुपर हीरोस। बधाई हो, आप सभी आज बेहतरीन थे। और हर एक सुपर हीरो को हीरो बनने का इनाम मिलेगा। तो बताओ क्या लोगे? क्या कुछ गाजर बचे हैं? फलों और सब्जियों से मिली ताकत से पेपा और उसका प्ले ग्रुप दिन भर काम कर पाया। पेपा और रेबेका रैबिट आज तकिए का महल बना रहे हैं। ध्यान से, महल को गिरा मत देना। गिरने ही वाला था, संभाल लिया, बच गया। हमने कर लिया, अब हमें इसे अंदर से सजाना होगा। कुछ तो कमी है। ओह, कुछ
कुछ खाने के लिए। मम्मी तकिए का महल कितना सुंदर लग रहा है। क्या हमें खाने के लिए कुछ मिलेगा? बिल्कुल, अब भी आई कहीं मत जाना। चलो ऐसा सोचते हैं कि तकिए का महल अंदर से बहुत बड़ा है। वाह, पकड़ो पेपा। चलो अब यूं ही ऐसा सोचते हैं कि ये कितना उछालता है, जैसे कोई ट्रैम्पोलिन। आहा, ये कितना उछालता है। अरे नहीं, ओ गेंद उछलकर वहाँ चली गई। चलो हम भी उसके पीछे जाते हैं। ये फ्लोर हरा है, तो चलो ऐसा सोचते हैं कि ये दलदल जैसा है। लेकिन गेंद तो यहाँ नहीं है, शायद वहाँ हो। ये कमरा नीला है, तो चलो सोचते हैं कि यहाँ ठंड है। ये रही गेंद। वाह, चलो यहाँ से चलते हैं। हम कौन से रास्ते से आए थे? पेपा, तुम कहाँ हो? हम तकी के महल में खो गए हैं। मैं आकर तुम्हें ढूंढती हूँ। नहीं मम्मी, महल बड़े लोगों के लिए नहीं बना है। ओह, मैं किसी भी चीज में फिट हो सकती हूँ। मम्मी पिग फंस गई है। मम्मी, आपके हिलने डुलने से महल टूट रहा है। सॉरी। इन सब चीजों को यूं ही सोचते हुए मुझे तो और भूख लग गई। अच्छा हुआ मैं खाने के लिए कुछ लाई हूँ। आप बस हमें से तकिए के नीचे खोजना है। मिल गया। ये तो बड़ा सा है। दादी पिग पेपा और जॉर्ज से लंच के लिए कुछ फल और सब्जियां ढूंढने के लिए कहती हैं। लिस्ट में पहली चीज है वो फल जिसका रंग हो सकता है लाल या हरा। तुम्हें क्या लगता है ये क्या हो सकता है? जॉर्ज, हमारे पास खाने का समय नहीं है, हमें लंच के लिए फल ढूंढने होंगे। सेब, वो लाल या हरे हो सकते हैं। अगली चीज हमें ढूंढनी होगी एक लंबी सब्जी जो नारंगी रंग की हो और हो कुरकुरी। मुझे पता है, रिबेका रैबिट हमेशा प्ले ग्रुप में गाजर लाती है, वो लंबे नारंगी और कुरकुरे होते हैं। दादाजी, गाजर के पेड़ कहाँ है? सारी सब्जियाँ पेड़ों पर नहीं उगती, कुछ सब्जियाँ जमीन के अंदर भी उगती है। मैं मदद करती हूँ जॉर्ज। लिस्ट में अगली चीज है वो सब्जी जो दिखती है छोटे पेड़ों जैसी। दादाजी, मुझे सिर्फ बड़े पेड़ दिख रहे हैं, छोटे बिल्कुल नहीं। ये तो छोटे पेड़ों जैसे लग रहे हैं। ये है ब्रोकली। बहुत बढ़िया पेपा। लिस्ट में आखिरी चीज है संतरे। अजीब बात है, मुझे नहीं लगता मैंने कोई संतरे उगाए हैं। अगर यह संतरे है तो मैं और जॉर्ज उन्हें ढूंढ निकालेंगे। दादाजी, पेपा और जॉर्ज हर तरफ संतरे को ढूंढ रहे हैं। संतरा। रंग तो सही है, लेकिन हम ये चीज नहीं ढूंढ रहे हैं। संतरे होते हैं गोल।
लेकिन उन्हें संतरे कहीं भी नहीं मिलते हैं। हमें संतरा मिल गया। ये एकदम सही रंग है और ये गोल भी है, लेकिन ये कद्दू है। संतरे! आपको ये संतरे कहाँ से मिले दादी जी? हम इन्हें हर जगह ढूंढ रहे थे। सुपरमार्केट से, और क्या?